नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक खूबसूरत सा राज्य सिक्किम, जो कि प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत और शांत जगह है, जहां पर आप बर्फ से ढके पहाड़, लेक्स और मोनेस्ट्रीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको सिक्किम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि सिक्किम कब जाएं, कैसे जाएं, कितना खर्चा आएगा सिक्किम घूमने का, होटल एंड फूड एक्सपेंस। सो ये वीडियो एज अ गाइड काम करेगी जब भी आप सिक्किम का ट्रिप प्लान करोगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि ट्रैवल फॉर ऑल की सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सिक्किम आने के लिए आपको आना होगा गैंगटॉक, जो कि सिक्किम की कैपिटल है और बेस है सिक्किम में कहीं भी घूमने के लिए। गैंगटॉक आप बाय फ्लाइट, ट्रेन और बस से पहुंच सकते हैं। फ्लाइट से आप आना चाहें तो पैक्योंग एयरपोर्ट की फ्लाइट लेकर आप आ सकते हैं। दिल्ली से आपको 5000 तक की गैंगटॉक की फ्लाइट मिल जाएगी। अगर आपकी सिटी से पैक्योंग के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है तो आप बागडोगरा एयरपोर्ट वेस्ट बंगाल की फ्लाइट लेकर आ सकते हैं, जो कि सिक्किम का नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और हर राज्य से आपको बागडोगरा के लिए फ्लाइट इजिली अवेलेबल हो जाएगी। बागडोगरा से गैंगटॉक की दूरी 122 किलोमीटर है, जिसे आप टैक्सी या बस से तय कर सकते हैं। 3,000 से 4,000 रुपये के बीच में आपको टैक्सी अवेलेबल हो जाएगी और बस से आप 250 से 350 रुपये में गैंगटॉक पहुंच सकते हैं। ट्रेन से आप आना चाहे तो सिक्किम का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल है, जहां से गैंगटॉक की दूरी 118 किलोमीटर है, जिसे आप बस या टैक्सी से तय कर सकते हैं। रेट आपको सेम ही 3,000 से 4,000 रुपये टैक्सी और 250 से 350 रुपये बस के पड़ेंगे। बसेस से भी आप सिक्किम के आसपास के राज्यों से गैंगटॉक आ सकते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट की बात करें तो गर्मियों में सिक्किम घूमने का बेस्ट टाइम मार्च टू मई रहता है और सर्दियों में अक्टूबर टू जैन रहता है, जिसमें आप स्नोफॉल भी सिक्किम में एंजॉय कर सकते हैं। स्टे की बात करें तो स्टे आप अपना गैंगटॉक में ही करें और वहाँ से आप सारी टूरिस्ट प्लेसेस घूमने जा सकते हैं। गैंगटॉक में आपको होटल, होम स्टे, हॉस्टल इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। 1,000 से 3,000 की रेंज में आप होटल, होम स्टे या हॉस्टल ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सस्ता होटल लेना है तो आप बस स्टैंड के पास होटल ले सकते हैं, जो कि आपको 1,000 से 2,000 की रेंज में मिल जाएगा। वहीं अगर आप होटल माल रोड के पास लें तो होटल आपको 2,000 से 4,000 की रेंज तक मिलेगा। सो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग स्टे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप डे वन पर गैंगटॉक एक्सप्लोर करें। गैंगटॉक में आप सबसे पहले एमजी रोड उर्फ माल रोड घूमने जा सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर रोड बनी हुई है और जितने भी हिल स्टेशन इंडिया में हैं उनमें से सबसे बेस्ट माल रोड गैंगटॉक की है, जहां पर आपको काफ़ी सारी शॉप्स भी मिल जाएंगी, जहां से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। सिक्किम में घूमने के लिए आपको टैक्सी हायर करनी पड़ेगी, जिससे कि आप सिक्किम अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। टैक्सी आपको 2,000 से 3,000 रुपये में 10 से 12 व्यू पॉइंट घुमाती है। सो डे टू पर आप टैक्सी हायर कर गैंगटॉक की टूरिस्ट प्लेसेस घूम सकते हैं। सबसे पहले आप जा सकते हैं ताशी व्यू पॉइंट, जो गैंगटॉक से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर आप कंचनजंगा माउंटेन रेंज को देख सकते हैं। यहां से आपको स्नो कवर्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। उसके बाद आप हनुमान टॉक जा सकते हैं, जो कि गैंगटॉक का फेमस हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर आप सनराइज का भी बेहतरीन व्यू देख सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं बनझाकड़ी वाटरफॉल और एनर्जी पार्क, ये भी काफी सुंदर वाटरफॉल है। नेक्स्ट आप जा सकते हैं गणेश टॉक, जो कि भगवान गणेश जी का बहुत ही सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। गणेश टॉक मंदिर से भी आप हिमालय का बहुत ही सुंदर व्यू एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट आप रोपवे जा सकते हैं, जो कि मेजर अट्रैक्शन है गैंगटॉक की, जहां से आप गैंगटॉक सिटी का और पहाड़ों का अमेजिंग व्यू एंजॉय कर सकते हैं। रोपवे की टिकट 120 रुपये पर पर्सन तक रहती है। नेक्स्ट आप गैंगटॉक में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जा सकते हैं, जहाँ पर आपको बुद्धिस्ट कल्चर देखने को मिलेगा। सो डे टू पर आप ये सभी जगहें कवर करें और डे थ्री पर आप जा सकते हैं फेमस टूरिस्ट प्लेस नाथुला पास, जो कि गैंगटॉक से 55 किलोमीटर की दूरी पर है और इंडो चाइना बॉर्डर पर स्थित है। नाथुला पास जाने के लिए आपको परमिट की ज़रूरत पड़ती है।
जो कि आप गैंगटोक से इजली बनवा सकते हैं। टैक्सी से आप जाएं तो टैक्सी वाला भी परमिट बनवा देता है। गैंगटोक से नथुला पास की टैक्सी आपको 2500 से 3000 की रेंज में मिल जाएगी और रास्ते में आप कई सारी जगहें घूम सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट आप चांगू लेक जा सकते हैं जो कि बहुत ही सुंदर सी लेक है। उसके बाद आप सेवन सिस्टर वाटरफॉल जो कि बहुत ही अल्टीमेट वाटरफॉल है, यहाँ पर आपको 7 जगहों से झरना ऊपर पहाड़ों से गिरता हुआ देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। नेक्स्ट आप जा सकते हैं बाबा हरभजन सिंह मंदिर जो कि नाथुला पास के बिल्कुल पास में ही है। ये मंदिर शहीद हरभजन सिंह जी की समाधि पर बनाया गया है जो इंडो चाइना वॉर के दौरान शहीद हो गए थे। उसके बाद आप नाथुला पास पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप नाथुला पास एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट डे आप लाचुंग घूमने जा सकते हैं। लाचुंग गैंगटोक से 120 किलोमीटर की दूरी पर है, सो एक दिन आप लाचुंग में अपना स्टे करें। गैंगटोक से लाचुंग पहुंचने में आपको 6 से 7 घंटे का समय लगता है और रास्ते में आप और भी कई सारे व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये रास्ता बेहद ही खूबसूरत रहता है और रास्ते में आपको कई सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। लाचुंग से आगे आप युंगथान वैली जा सकते हैं जो कि लाचुंग से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वैली में आपको कई सारे फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। इस वैली को वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। और आप जा सकते हैं लाचुंग से 66 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुरु डोंगमार लेक जो कि दुनिया की सबसे ऊंची लेकों में से एक है। ये लेक 5430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और बहुत ही सुंदर ये लेक दिखाई देती है। ठंड के दिनों में ये लेक पूरी तरह बर्फ से जम जाती है। आप ये सभी प्लेसेस घूमने के लिए गैंगटोक से टूर पैकेज भी ले सकते हैं जिसमें आपका टैक्सी, साइटसीइंग, होटल इंक्लूड रहता है। फूड की बात करें तो सिक्किम में आपको वेज, नॉन वेज, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन सभी तरह का फूड अवेलेबल हो जाएगा। एक मील की कॉस्ट की बात करें तो 200 से 300 रुपये एक मील की कॉस्ट आपकी रहेगी। सो सिक्किम घूमने के लिए आपको मिनिमम 7 दिन चाहिए होते हैं। सो बजट की बात करें तो अगर आप 2 लोग आ रहे हैं और 1500 रुपये तक का होटल ले रहे हैं तो 7 दिन का होटल का 10,500 रुपये। सो पर पर्सन कॉस्ट होटल की आपकी रहेगी 5,250 रुपये, फूड का पर पर्सन 5,000 रुपये, टैक्सी का पर पर्सन 5,000 रुपये। सो 15,000 से 20,000 रुपये पर पर्सन में आप सिक्किम आराम से घूम सकते हैं। इसमें आप अपनी सिटी से आने जाने का खर्चा ऐड कर अपना सिक्किम का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।